मुरादाबाद के जिला कलेक्ट्रेट पर बरेली के तौकीर रजा द्वारा दिए गए बयान को लेकर हिंदू संगठनों में काफी उबाल नजर आ रहा है। उसी क्रम में शिवसेना ने भी इसके विरोध में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए तौकीर रजा हाय हाय के नारे लगाए हैं। शिवसेना का आरोप है कि तौकीर रजा ने आने वाले दिनों में कई युवक युवतियों का धर्म परिवर्तन कराकर प्रशासन से उनकी शादी करने की अनुमति मांगी है, जिसका विरोध हिंदू संगठन शिवसेना ने जताया है और अपने कार्यकर्ताओं के साथ जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपते हुए तौकीर रजा पर रासुका के तहत कार्यवाही करते हुए तत्काल एक्शन लेने की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू सैनी, जिला प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। अच्छा, आज तमाम कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं और क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है, किसके खिलाफ किया जा रहा है? ये बरेली के तौकीर रजा हैं, मौलाना तौकीर रजा। उन्होंने हिंदू युवक युवतियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रशासन से मांग करी थी। उस संबंध में आज शिवसेना ने जिला अधिकारी महोदय को प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया है। इसमें मांग की है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए। क्या बयान दिया था तौकीर रजा ने? तौकीर रजा ने बयान दिया था कि हिंदू कुछ हिंदू युवक युवतियां धर्म परिवर्तन करने जा रही हैं, उसके संबंध में ज्ञापन दिया। मंदिर के सामने निगाह पड़ा है। क्या नाम है आपका? जी बाबा कुशल सिंह, राज्य सचिव शिवसेना पश्चिम उत्तर प्रदेश। आज शिवसेना जिला कलेक्ट्रेट पर एकत्र हुई है, प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे हैं, उसकी प्रदर्शन किया जा रहा है? जो बरेली निवासी है तौकीर रजा, एक दंगाई मौलवी जो खुलेआम उसकी ऐलान कर रहा है सामूहिक धर्मांतरण के लिए, हिंदू युवक युवतियों के लिए कि धर्मांतरण करेंगे हम, और प्रशासन से शासन से दोनों से वो मांग रहा है, अनुमति मांग रहा है जो अभी तक मिली नहीं है और ना ही मिलेगी। उम्मीद भी है कि शासन को भी दिख रहा है कि यहाँ पे दंगा हो सकता है, वहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगा है मौलाना, जो कि देश देश में अभी अमन शांति है वो शांति को अशांति में फैलाना चाह रहा है। हम नहीं चाहते कि देश में शांति है उसे अशांति में फैलाए, हम चाहते हैं कि उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए जो ये दंगे फैलाने की कोशिश में लगा है।